शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनों, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे, कभी नेकी हासिल न कर सकोगे, और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिबे हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद है कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनों, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रस्ते लग गया। मोमिनों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं, और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफर के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं, और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े, और अक्सर नाफरमान हैं। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है, बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं, और यही लोग नेकुकार हैं, और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है।
جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال آندھی کسی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ دیکھو، تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ یہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتی ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں رنج پہنچے تو خوش ہوتی، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور نافرمانی سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکی ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے، اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا،
बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं, और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं, या जिहाद को निकलें और मारे जाएं, तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ, तो जो मालूमता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शीश और रहमत कहीं बेहतर है। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाके हुए हो, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत मांगो, और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो, और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें, और कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे, और खयानत करने वालों को कयामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोजख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों की अल्लाह के यहां मुख्तलिफ दर्जे हैं, और अल्लाह उनके सब आमाल देख रहा है। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात है कि जब उहद के दिन कुफार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाकई हुई, हालांकि जंगे बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे कि यह आफत हम पर कहां से आ पड़ी। कह दो कि यह तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाकई हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाकई हुई, और उससे यह मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी, अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके, उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि कयामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं, और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया। जो लोग उनमें नेकुकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है, तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश व खुर्रम वापस आए, उनको किसी तरह का जरर ना पहुंचा, और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझ ही से डरते रहना, और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन ना होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते, अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा ना दे, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है।
जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफर खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है, नहीं बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर लें। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा, और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें, वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुखल करते हैं कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलम बंद कर रखेंगे, और कयामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे, ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए और वो मोजजा भी लाए जो तुम कहते हो, तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? फिर अगर ये लोग तुमको झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुठलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको कयामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोजख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे, तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुश्त फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे, और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू कयामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोजख में डाला उसे रुस्वा किया, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा, और कयामत के दिन हमें रुस्वा ना कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं,
ये अल्लाह के हां से बदला है और अल्लाह के हां अच्छा बदला है। ऐ पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाट से घूमना तुम्हें धोखा न दे, ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के हां से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हां है वो नेकुकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते, यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ अहले ईमान, कुफार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तेकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो, और कतर रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीजा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो, इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो, हां अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अकलों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो, हां उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ रखो और जांचते रहो, फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकदर खिदमत कुछ ले ले, और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल मां बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी, ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्ने नन्ने बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोजख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज्यादा तो कुल तरके में उनका दो तिहाई है, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है, और मैयत के मां बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ मां बाप ही उसके वारिस हो तो एक तिहाई मां का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हो तो मां का छठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं
और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है, फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है, लेकिन यह तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है, और अगर एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत व कर्ज, बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमा बरदारी करेगा, अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको अल्लाह दोजख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा, और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से चार शख्सों की शहादत लो, अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती है, बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं, और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनों, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हो तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो, फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, और अल्लाह हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है।